सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक मोबाइल में आप लोग दो YouTube चैनल कैसे बनाओगे। अगर आप लोगों को सीखना होगा तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग एक मोबाइल में दो YouTube चैनल बनाना सीख जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ ताकि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता सकूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने YouTube को ओपन कर लीजिएगा। YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग ऊपर में आपके YouTube चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जीमेल आईडी दिख जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग के मोबाइल फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे या जितने भी यूट्यूब चैनल होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी मेरे मोबाइल में लगभग 10 यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं दो पर डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और बाकी पे कभी सप्ताह में एक बार वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो इस भाई ने कमेंट करके ये बोला था कि दो यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, यानी इनको सीखना है कि एक मोबाइल में दो यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग जितना चाहे उतना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो चलिए गाइस, सारे चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए मैं प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चेक इन इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे चेक इन कर रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि साइन इन विद योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप लोग के पास पहले से कोई जीमेल अकाउंट होगा तो यहाँ पे आप लोग डालकर यहाँ पे आप लोग नया चैनल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग के पास पहले से कोई जीमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप लोग नया जीमेल आईडी बनाकर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो चलिएगा, जब भी मैं यहाँ पे नया जीमेल अकाउंट बनाता हूँ उसके बाद मैं आप लोग का यूट्यूब चैनल बनाकर दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाता है, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर माई सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्रिएट अ गूगल अकाउंट, इंटर योर नेम। यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा और नीचे में आप लोग यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिएगा। तो मेरा नाम है दीपू, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप लोगों का नाम होगा वो आप लोग यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा और लास्ट नेम में आप लोग अपना टाइटल डाल सकते हो, या जो भी होगा कुमार होगा कुमारी होगा वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। चलेगा, जब भी मैं यहाँ पे कुमार लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर। यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। चलेगा जी, मैं अपना यहाँ पे बर्थडे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मार्च और यहाँ पे मैं डे सेलेक्ट कर लेता हूँ 4 या 5, जो भी होगा आपका अपना यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। गलत चाहे सही जो भी होगा वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, इसमें आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आप लोग का नीचे में जेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप लोग मेल हो तो मेल कर देना, फीमेल हो तो फीमेल कर देना। अगर आप लोग अपना जेंडर छुपाना चाहते हो तो यहाँ पे रेड और नॉट टू से कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मेल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बोला जाता है चूज हाउ यू विल साइन इन, यू विल यूज द ईमेल टू साइन इन योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे आप लोग अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। तो चलिएगा जी, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो अपने मोबाइल नंबर से जीमेल अकाउंट बना तो यहाँ पे आप लोग का यूज मोबाइल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहले आप लोगों का मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद वहाँ पे आप लोग अपने मर्जी से जो भी चाहे जीमेल अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो भी जीमेल अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे आप लोग टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस नेम से पहले ही जीमेल अकाउंट बन चुका है, इसलिए नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैं और ही डिजिट यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बोला जाएगा क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद अ मिक्स ऑफ लेटर नंबर्स एंड सिंबल। यहाँ पे आप लोग को बोला जाता है जो भी आप लोग यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करोगे उसमें नंबर भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए और सिम्बल्स भी होना चाहिए, यानी तीन चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलेगा जी, यहाँ पे मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें नंबर भी है, डिजिट भी है और लेटर भी है, सारे चीज़ें मिलाकर यहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। चलेगा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों का पासवर्ड भी शो कर दूंगा ताकि ऐसे ही आप लोग अपना पासवर्ड यहाँ पे आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं शो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देता हूँ।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी खतरनाक यह पासवर्ड। उसके बाद आप लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसका पासवर्ड भूलें ना, क्योंकि अगर आप लोग भूल जाओगे तो आगे जाकर आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप लोग का नीचे आना होगा और यहाँ पे एस आई एम इन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोग का जो जीमेल अकाउंट आप लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिएगा जहाँ से मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यहाँ पे भी आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ऊपर आप लोग ये सारे चीज़ें पढ़ सकते हो अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो। यहाँ पे मैंने कर दिया आई एग्री। उसके बाद यहाँ पे आप लोग गेटिंग अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग गूगल सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो यूट्यूब चैनल होगा वो बन के रेडी हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और थोड़ी सी टाइम लगेगी ये आप लोग के मोबाइल फ़ोन में शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यह सर्च ले रहा है। उसके बाद मैं आगे क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो अभी मैं जो नया यूट्यूब चैनल बनाया वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोग को नो थैंक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिएगा जहाँ से मैं नो थैंक्स कर देता हूँ। नो थैंक्स करने के बाद यहाँ पे अब आप लोग यूट्यूब चैनल के लोगो पे क्लिक करके आप लोग अपना चैनल देख सकते हो। तो चलिएगा जिस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप लोग के यूर चैनल पे आना है। और यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करना तो यहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हो। तो अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम नहीं चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे में क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस ऐसे ही आप लोग एक मोबाइल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। केवल आप लोग प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितना चाहे उतना आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल बना सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया था कि मेरे मोबाइल फ़ोन में लगभग अभी 10 यूट्यूब चैनल है, तो इसी प्रकार आप लोग बना सकते हो।